नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि OLX पे यदि आप अपना पुराना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, अपने पुराने मोबाइल फोन या फिर बाइक जो भी आप बेचना चाहते हैं OLX पे आप सेल कर सकते हैं, आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे घर बैठे ही। तो OLX पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ओपन करते हैं अपने फोन में OLX इंडिया को। दोस्तों OLX पे कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले या फिर खरीदने से पहले OLX पे अकाउंट क्रिएट करना जरूरी होता है। अगर आप OLX पे अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं तो मैं उस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे OLX ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेल का। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सेल, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेल पे। सेल पे क्लिक कर देने के बाद आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ से कैटेगरी चुनेंगे, आपका प्रोडक्ट बाइक है या फिर कार है या फिर मोबाइल है। मैं अपना एक मोबाइल फ़ोन सेल करना चाहता हूँ OLX पे, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मोबाइल पे। और इसके बाद यहाँ से आपको चूज करना होता है आप मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं या फिर मोबाइल का पार्ट्स बेचना चाहते हैं या फिर आपका टैबलेट है। तो मैं मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको अपना ब्रांड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ब्रांड को सेलेक्ट कीजिएगा। आपका जिस भी कंपनी का फ़ोन है आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। मेरा फ़ोन EMI का है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे EMI पे। और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की टाइटल लिखना होता है, आप अपने फ़ोन के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने फ़ोन की टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल का प्रोडक्ट नेम लिखा हूँ, मॉडल नंबर लिखा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल के बारे में जो भी है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल कितने दिन ओल्ड है, आपके मोबाइल में कितना रैम है, सभी डिटेल यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ MI पोको C3 और ये 3 मंथ ओल्ड है, 4 GB रैम है। यहाँ पर इतना टाइप कर देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपकी फ़ोन की गैलरी का यहाँ पे आपको परमिशन देना होता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अलाउ पे। यहाँ पे आप जिस मोबाइल को बेचना चाहते हैं, अगर उस मोबाइल का आप पहले से फ़ोटो कोई खींच के रखे होंगे तो यहाँ पे आपका वो फ़ोटो आ जाता है। अगर आप उस मोबाइल का फ़ोटो नहीं खींचे हैं तो यहाँ पर आप टेक ए पिक्चर पर क्लिक करके उस मोबाइल का फ़ोटो ले सकते हैं। मैं अपने फ़ोन का पहले से फ़ोटो ले कर रखा हूँ तो यहाँ पर मैं उस मोबाइल का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 फोटो लेके रखा हूँ और इसके बाद क्लिक करूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे आपको प्राइस डालना होता है, यहाँ पे आप अपने फ़ोन का प्राइस डाल लीजिएगा। प्राइस डाल देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा स्टिक मार्क पे और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप लोकेशन सेट कर लीजिएगा आपको जिस लोकेशन पर बेचना है। अगर आप किसी दूसरे सिटी में बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर उस सिटी का नेम डालिएगा। अगर आप जिस एड्रेस पर रहते हैं उसी एड्रेस पर आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यूज करेंट लोकेशन पे और यहाँ से आपका ये लोकेशन ऑटो डिडक्ट कर लेता है। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे आपकी नंबर आ जाती है और यहाँ पे आपका नेम। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा पोस्ट नाउ और आपका ऐड ये पोस्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन योर ऐड विल गो लाइव शॉर्टली, मतलब कि आपका ऐड ये कुछ ही देर में पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे माई ऐड पे क्लिक कर देने के बाद आपका ऐड यहाँ पे दिखलाई देता है। यहाँ पे इस ऐड पे क्लिक कर देने के बाद आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस ऐड को मैं अभी पोस्ट किया हूँ और यहाँ पे 47 लोगों ने इसे अब तक देख चुके हैं। और यहाँ से बैक आ जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी व्यक्ति मैसेज करेगा इस प्रोडक्ट से संबंधित, वो मैसेज यहाँ पे दिखलाई देता है इस चैट में। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को OLX पे बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।